मगर फिर भी एक वो फियर्स साइकोसिस है, हम लोग डर रहे हैं कि क्या पता कौन क्या कर सके। सरकार पे विश्वास नहीं है आपको? सरकार तो कह रही है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपके ऊपर निशाना साधने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाए, ये से बोलते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल तो ये मुझे कहीं नहीं दिखा। सुनने में आया है कि किसी ने शॉप अपनी वापस मांगी थी तो उसको फिर वहाँ पे टारगेट किलिंग उसके साथ हुई है, तो उस डर की वजह से हम फिर नहीं यहाँ, मतलब हमारा दिल नहीं चाहता कि हम, मगर एक साइड से हम चाहते हैं, मगर इस मतलब जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे घर बने। कश्मीरी पंडित समुदाय शेखपुरा बडगाम में भी रह रहा है और विस्सू अनंतनाग में भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रह रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए यहाँ पर एकोमोडेशन तैयार की है, उस एकोमोडेशन के बारे में ये कहना ज़रूरी है कि वो जगती के उस दो रूम के टेनमेंट से बहुत बेहतर है। वेसू में हम लोग गए थे, कोशिश की हमने की थी वहाँ पर कि वहाँ पर जो कश्मीर पंडित समुदाय के लोग रहते हैं उनसे बातचीत हो सके, लेकिन जब हम वेसू पहुँचे तो हम हैरान हो गए कि वहाँ पर आपको SHO काजीगुंड से पूछना पड़ता है कि क्या हम वेसू में पंडित कैंप के अंदर जाकर बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि पर्याप्त मात्रा में वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, फ्रिस्किंग हो सकती है, चेकिंग हो सकती है, उसके बाद ही जाकर आप पत्रकार को अंदर जाने दे सकते हैं, लेकिन सख्त मना है, आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। और उसके बाद जब आप थानेदार को फोन भी करते हैं तो थानेदार आपको ये जवाब देता है कि आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे सूचित करना है, जब आप मुझे सूचित करेंगे उसके बाद जो है आप कैंप के अंदर जा सकते हैं। सिक्योरिटी कारणवश समझा जा सकता है कि सूचित करना जरूरी है, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं तो फ्रिस्किंग करके पत्रकारों को अंदर जाने दिया जाए, इसमें आखिरकार दिक्कत और परेशानी क्या है? और क्या है ऐसा उन कैंपों के अंदर जिस कहानी को प्रशासन नहीं चाहता कि वो कहानी लोगों के सामने आए? मेरे साथ इस वक्त नीरू हैं, ये शेखपुरा बडगाम में कश्मीरी पंडितों का जो कैंप है वहाँ पर रहती हैं। आइए इनसे समझते हैं कि इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय किस परेशानी से यहाँ पर गुजर रहा है। नीरू जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको इस कैंप में, मैंने देखा एकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ क्या परेशानी आपको आ रही है? एक्चुअली जो ये एकोमोडेशन गवर्नमेंट ने दी है ये बहुत ही अच्छी दी है, ये 2 BHK है, बट जो हमारे PM पैकेज एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे सिर्फ इनमें 30% ही लोगों को एकोमोडेशन मिली है, बाकी के जो 70% लोग हैं वो किराए पे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंदिरा नगर, अनंतनाग, बारामूला, वहाँ पे भी किराए पे रहते हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी का साधन नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम रह रहे हैं एज ए होस्टेज, यहाँ बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स है, CRPF पुलिस है, बट हमारे लिए तो ठीक है, व्हाट अबाउट दोज जो कि बाहर रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए अभी कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं हुई है। टोटल कितने कर्मचारी हैं जो बाहर रह रहे होंगे, कुछ आइडिया, कुछ फिगर है आपके पास? उतना फिगर नहीं मैं बोल सकती, बट मैं ऐसे प्रतिशत में बोल सकती हूँ कि 30-40% है जिनको अकोमोडेशन प्रोवाइड हुई है, बाकी जो है वो 70% लोग अभी भी अकोमोडेशन के बगैर। हाँ जी, हाँ जी, वो किराए पे हैं। अच्छा, पिछले दिनों जब हत्याएं हुई, कश्मीर पंडित समुदाय के लोगों को आतंकियों ने उनके ऊपर हमले किए, वो शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर आए थे, आपसे बातचीत हुई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब यहाँ आए क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या कहा? एक्चुअली जब हम उनसे डेलीगेशन जब उनसे मिलने गए थे तो काफ़ी जो हमारे LG साहब है काफ़ी धार्मिक इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमें जो जिस पेन से हम मतलब जो फील हम कर रहे हैं पेन, वो उनको भी लग रहा है, उनको भी उस दिन एहसास हुआ कि सच में एक कश्मीरी पंडित एक पेन में गुजर रहा है, तकलीफ है एग्जैक्टली उनको बिल्कुल महसूस हुआ कि ये सच में जो कश्मीरी पंडित है, जो हमारा नोशन जाता था उन तक वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता था, जब हम जब ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने देखा एक कॉमन इंसान से बात करके, तो उनको तब पता चला कि सच में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी को लेके या जॉब्स के, हमारे पे गन टेररिज्म भी है एज वेल एज पेन टेररिज्म भी है, तो अब बात यही है कि आपने कहा पेन टेररिज्म का मतलब
पेन टेररिज्म का मतलब है जैसे कि अब 12 साल से हमारे जितनी भी फाइल्स थी सेक्रेटरीट में घूम रही थी इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रमोशंस के लिए, एसआरओ के लिए, वो उनको एंटरटेन नहीं करते थे, वो सारे जितने भी केसेस थे वो हम कोर्ट के थ्रू लड़ते थे। तो अभी भी लड़ रहे हैं? जी नहीं, अब क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट हुआ तो एलजी साहब तक जब न्यूज़ गई तो उनको पता चल गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इसके रिलेटेड। उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट एकदम से, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट था अनंतनाग, मैं हमेशा एक दिन में 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करती थी, तो ऐसे ऐसे लोग न जाने पता नहीं कितने हैं पीएम पैकेज में, तो उन्होंने इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मदद की, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की उन्होंने। प्रमोशंस रिसेंटली हुई है बहुत सारे, जैसे जेई है वो एई प्रमोट हुए हैं, लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन प्रमोट हुए, मगर इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी चूक की है, उसमें भी लूप होल्स है, उसमें भी जो प्रमोशंस रिलेटेड है उसमें काफ़ी, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से, पब्लिक सर्विस पीएससी से उनको क्या वो नहीं आई है, मतलब कंफर्मेशन नहीं आई है, तो उसके रिलेटेड काफ़ी लूप होल्स है, उसमें भी थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स हैं, मगर जो एलजी साहब है हमारी, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे रिलेटेड काम कर रही है, मतलब वो हमारा कंसर्न देख रही है, बस उनको यही प्रॉब्लम एक रिलोकेशन के रिलेटेड वो चुप्पीदारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से कश्मीरी पंडित जाए, वो कश्मीर छोड़ के जाए, वो उनसे ये मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात है, जो हमारा पड़ोसी देश है, क्या पता वो ये भी सोचते हैं कि वो एक खुश हो जाएंगे अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो दुविधा दोनों तरफ है, दुविधा उनकी तरफ भी है कि वो रिलोकेशन नहीं चाहते हैं, नहीं देना चाहते। ये बात उन्होंने साफ तौर पर आपको बताई कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जम्मू चले जाएं, क्योंकि आप लोगों की मांग है, बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन कर जब वो जो लोग कर रहे हैं उनकी मांग केवल एक है कि हमको रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के साथ जो है फिलहाल अटैच किया जाए, जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होते, घाटी में हालात ठीक होंगे हम वापस नौकरी करने के लिए चले जाएंगे। तो आप लोग चूंकि शेखपुरा इस कॉलोनी में रहते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपका मत इसको लेकर क्या है, क्या आप भी उन कर्मचारियों के साथ हैं? रिलोकेशन जो हमारे भाई बहन जो जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हमेशा है, हाथ मिला के साथ है, मतलब बिल्कुल साथ में खड़े हो गए हम उनकी, एक ही वाणी हमारी भी है रिलोकेशन। बट इन्होंने जब हमारी डेलीगेट्स गए थे, यहाँ कोई भी ब्यूरोक्रेट का आते हैं तो ऑफिसर आते हैं, वो सीधे बोलते हैं नहीं, रिलोकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ से कश्मीरी पंडित जाए। तो मगर हमारी, हम यहाँ से ऐसे है कि मतलब ये दुविधा है दोनों तरफ से, मतलब मानो कि जैसे हमारे पानी यहाँ तक आ गया, अब हम इंसान के चिल्लाएगा एंड में, बचाओ बचाओ बचाओ, सिर्फ उनके पास एक ही रहता है, वही हमारा एक ही है कि हमें बचाओ। अब उनको कैसे बचाना है ये सिर्फ हमारी, फिर से नेक्स्ट जब डेलीगेट इनके पास मिलने जाएगी या इनकी तरफ से कोई न्योता आएगा या हम यहाँ से जाएंगे, तो ये टेबल पे ही बात हो सकती है कि सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड, ये अब इस बारी मतलब हम चाहते हैं कि हम इनसे फिर से टेबल टॉक करें, सीधे बता, मतलब इनसे पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर आपके लिए सिक्योरिटी का तो पर्याप्त बंदोबस्त है, बाहर गार्ड, बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज लगे हुए हैं, तैनात किए हुए हैं। तो अब जब ये रिलोकेशन, ये जो आपका ट्रांसफर्स जो हुई हैं, तो ये भी कहा गया कि आप लोगों को अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लगाया गया है, अब आप लोग गांव देहात में आपके लोग नहीं लगे हुए, क्या ये हकीकत है? और ये जो सिक्योरिटी आपको है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? जी नहीं, ये जो सिक्योरिटी है, देखो हमारी ज़िंदगी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इस एकोमोडेशन तक हमको बाहर भी जाना है। और वैसे भी अजीत दोगल ने पहले ही बोला है, हम पर पर्सन सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? हमें मार्केट जाना है, हमें सब्ज़ी लेनी है, हम कहीं बच्चों के साथ बाहर नहीं घूम सकते, तो उस सिक्योरिटी को लेके हमें सिर्फ बस घर से ऑफिस से घर थोड़ी ना आना है, जो बीच का दायरा है उसके लिए कौन सी हमें VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके लिए कौन सी? आप बिल्कुल उसी तरह का माहौल चाहती हैं जिस तरह का माहौल जम्मू में है या बाकी पूरे देश में है, कि आप आना जाना जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आना चाहते हैं आ सकते हैं, घर के बाहर घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, आपके बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको लेने के लिए जाना है, उनको छोड़ने जाना है? हाँ जी, हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री होके रहे। देखो हमारी जो पहली जनरेशन थी वो भी ऐसी ही निकल गई माइग्रेशन में, मेरी अब जनरेशन है, हम भी अब डरता इधर से कोई नहीं है, कश्मीर से हम डर के नहीं भाग रहे हैं, मतलब अगर यहाँ से जा रहे हम अपनी फैमिलीज देख रहे हैं, हम अपने बच्चे देख रहे हैं, हम गोली
बॉडी से नहीं डरते, इंसान डरता है अपनी फैमिली से, जैसे बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप है, माँ बाप का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो जाए सबसे बड़ा मुझे तो, मैं तो चली जाऊँगी, मगर जो मेरा बच्चा पीछे से रहेगा बिना, जैसे अभी हम मीनाक्षी की फैमिली देख रहे हैं, अभी वो बिना, मतलब बिना बाप के कैसा फील कर रही होगी वो अभी। इंसान नहीं डरता है कि यहाँ से हम भाग के निकले, अपनी फैमिली के लिए हम भाग रहे हैं। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपने कहा कि परिवारों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जब जिस दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तब से लेकर अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो क्वार्टर छोड़कर वाकई जम्मू चले गए हैं, और कितने प्रतिशत मुलाजिम ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ रह रहे हैं? एक्चुअली जो जिनको सिक्योरिटी नहीं है, जैसे हमको CRPF है, बाहर है, सिक्योरिटी है, बंदोबस्त गवर्नमेंट ने दी है, ये बंदोबस्त किया है हमारे लिए, बट उनके लिए क्या, जो जैसे इंदिरा नगर में लोग रहते हैं, बाहर बारामूला में, कुपवारा में, बड़े सारे बाहर जो किराए पे रहते हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं है, तो वही लोग निकल चुके हैं यहाँ से। ये सिर्फ एकोमोडेशन में जो रहते हैं, जैसे हम हैं, हमारे बच्चे 10th में अगर पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उनका अभी पीक टाइम है, तो हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिनके माँ बाप नहीं जा पा रहे हैं जम्मू, जिनके घर शायद अभी बने नहीं है जम्मू में, वो लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं जिनकी मजबूरियां हैं, मगर जो मैक्सिमम लोग जो किराए पर रहते हैं तो वो चले गए हैं और वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा मैक्सिमम लोग चले गए, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ शेखपुरा कॉलोनी में, आप जब बाहर यहाँ से जाती हैं, जाहिर सी बात है मेटाडोर में भी जाती होंगी, क्या आप मेटाडोर का इस्तेमाल अभी भी करती हैं या आप छोड़ दिए? एक्चुअली मैं यहाँ से बहुत दूर जाती थी, मैं अपनी गाड़ी का ही यूज़ करती थी, बट मैं लोकल में भी जाती थी, तो मुझे यहाँ से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेंटी है। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ से बाहर मार्केट में भी जाती होंगी, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है? जी बहुत अच्छा है, यहाँ की मेजॉरिटी बहुत अच्छी है। मैं जाती थी, जैसे अब मैं अनंतनाग साइड से ड्यूटी पे जाती थी, वो इतने कोऑपरेटिव थे, मेरा स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था, बच्चे इतने इनोसेंट है, इतने मेरा ZDO ऑफिस, मेरा हेड असिस्टेंट इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव, शायद वो अपने लोगों को उतना सपोर्ट नहीं करते थे जितना वो मुझे करते थे। तो यहाँ मेजॉरिटी, हम नहीं बोल सकते कि जो आतंकवादी है वो ज़रूरी, हम उस आतंकवादी को लेके पूरी कम्युनिटी को ख़राब नहीं कर सकते, यहाँ कुछ ये मुट्ठी भर के कुछ लोग हैं जो यहाँ की शांति को भंग कर देते हैं, भंग करना चाहते हैं, मगर हम पूरी उस कम्युनिटी पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जैसे आपने कहा कम्युनिटी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, वो समझा जा सकता है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये, अगर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और आपको लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, तो फिर तो पलायन करने का या यहाँ से जम्मू जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कम्युनिटी तो आपके साथ खड़ी है, तो फिर आपको डर किस चीज़? कम्युनिटी है, मगर मैं उन मुट्ठी भर लोगों को क्यों आप अवॉइड कर रहे हो, उनमें से ही क्या पता कोई टारगेट किलिंग कर रहा हो, तो वो जो अनसर्टेंटी है, मैंने बोला कश्मीर में, उस अनसर्टेंटी की वजह से ही लोग मतलब यहाँ से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते, इनसिक्योरिटी फील करते, तो उस चीज़ को आप एक मतलब कैसे उस चीज़ को रोक सकते हो, आपको क्या पता है? आप कहाँ के रहने वाले हैं कश्मीर में बेसिकली? कश्मीर में मैं अनंतनाग साइड से। किस जगह? शांगस वत्रुस। मुझे बताइए आपको यहाँ नौकरी करते हुए कितना वक्त हो गया? मेरे हस्बैंड को तो 12 साल हो गए और मुझे हो गए 3 साल। आप कभी अपने घर गए? हाँ जी गए। वत्रुस गए कभी आप? हाँ जी ऐसे मतलब विजिट किया हमने, तो वो एक मेहमान की तरह यस, उधर सब कुछ। आपका मन है अपना यहाँ पर 4-5 मरले का प्लॉट लेकर मकान बनाने की कोई प्लानिंग है? क्योंकि आप कहीं पर भी अगर रहते हैं तो रहने के बाद आपके मन में ज़रूर आता है थोड़े टाइम के बाद कि अब हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हस्बैंड भी यहीं पे नौकरी कर रहा है, वाइफ भी यहीं पे नौकरी कर रही है, तो आप छोटा सा एक प्लॉट कहीं पर लेकर 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट लेकर मकान बनाएं, ये मन में आता है? ये मन में बहुत आता है। पिछली बारी तो शायद मैंने तैयारी भी की थी, मैं यहाँ पे ही ओमपुरा जो ऊपर कॉलोनी है वहाँ पे 6 मरला ले लूँ, बट अचानक एक वो आया था कि जिस कश्मीरी पंडित ने लैंड ली है तो वो वापस, कुछ आपको पता है उसके रिलेटेड? हाँ। उसकी वजह से हमने फिर वो नहीं छोड़ा, हमने बोला नहीं हम नहीं, क्योंकि उसी की वजह से फिर क्या हुआ, कुछ किलिंग्स भी हुई है, सुनने में आया है कि किसी ने शॉप अपनी वापस मांगी थी तो उसको फिर वहाँ पे टारगेट किलिंग उसके साथ हुई है, तो उस डर की वजह से हम फिर नहीं यहाँ, मतलब हमारा दिल नहीं चाहता कि हम, मगर एक साइड से हम चाहते हैं, मगर इस मतलब जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे घर बनाएं। यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इनसिक्योरिटी खत्म होती है तो हमें अपने मकानों में वापस जाने में और दोबारा से अपने घर को क्या कहते हैं ठीक ठाक करके वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और पंडित, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, एक और इसी शेखपुरा कैंप में रहने वाले एक और साथी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अश्विनी साधु।
अश्विनी जी, आपको मैंने प्रदर्शनों में भी देखा था, आप प्रदर्शन भी कर रहे थे। जैसे अभी नीरू जी ने कहा कि हम यहाँ पर रह तो रहे हैं एक लंबे वक्त से, लेकिन अभी टारगेट किलिंग्स के बाद एक अनसर्टेनिटी और एक खौफ का माहौल है, तो क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा महसूस तो करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग टारगेट किलिंग का शिकार तो हैं। बेशक हम लोग इस वक्त भी बाहर जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मुस्लिम्स हैं, मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, बीच में जब हम लोगों को अभी ट्रांसफ़र्स हुई तो हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ा, हम लोग गए, हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी एक वो फियर्स साइकोसिस है, हम लोग डर रहे हैं कि क्या पता कौन क्या कर सके। सरकार पे विश्वास नहीं है आपको? सरकार तो कह रही है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपके ऊपर निशाना साधने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाए, ये से बोलते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल तो ये मुझे कहीं नहीं दिखा, प्रैक्टिकल में ये कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, फैक्ट तो कहीं अभी कुछ बड़े दूर है। जब डीसी ऑफिस में बैठ के किसी को अटैक किया जा सकता है, या आप ये देख सकते हैं कि बैंक मैनेजर, वो एक जो बाहर के एक थे स्टेट के, बैंक में अंदर जाके उस पर अटैक किया जा सकता, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि आप पे कोई दूसरा बंदा अटैक नहीं करेगा? तो मुझे बताइएगा, जी शेखुपुरा ये आपकी कॉलोनी है, ये देखा मैंने एक लोकेलिटी के अंदर है, इस लोकेलिटी में जब आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो क्या व्यवहार लोगों का वैसा ही है जैसा कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ लोगों का व्यवहार आज से 30 साल पहले हुआ करता था? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार वैसा ही है, मगर भरोसा नहीं है किसी के ऊपर। व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा है, मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं तो हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो व्यवहार सेम है, मगर उसके बीच में ब्लैक शीप कौन है वो भरोसा नहीं। तो आपकी मांग क्या है? रिलोकेशन। अच्छा, आप रिलोकेशन के लिए अभी भी सीरियस हैं, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने बाज़ाब्ता विश्वास भी दिया है और यकीन भी दिलाया है आप लोगों को कि आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी दी जाएगी और यहाँ से जम्मू रिलोकेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आपको उस आश्वासन पर यकीन? वो जब तक टेबल पर बैठ के हम लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे कहीं पर बैठ के, किसी मंच पर बैठ के, क्योंकि ये तो हम लोग भी जानते हैं कि उनके वो क्या कहना चाहते हैं और हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग तो एक ही पॉइंट पर बैठे हुए हैं, रिलोकेशन, वन वर्ड एजेंडा रखा हुआ है रिलोकेशन, मगर अब जब तक टेबल पर बैठ के बात नहीं होगी तब तक नेगोशिएशन भी नहीं होगी किसी बात। लेकिन एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आतंकवाद और आतंकवादी, उनका साफ तौर पर मकसद साफ नज़र आता है, डर पैदा करो, खौफ पैदा करो जी, और कश्मीरी पंडित समुदाय को दोबारा पलायन करने पर मजबूर करो और इतने बड़े देश को किसी भी तरीके से आप झुकाओ जी। 1999 में जब रुबिया सईद की किडनैपिंग हुई, उनकी किडनैपिंग के बाद 5 लोगों को छोड़ा गया, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कहा कि मत छोड़िए, अगर आप छोड़ेंगे तो आतंकियों के हौसले बढ़ जाएंगे और बढ़ेंगे तो नतीजा इसका बड़ा भयंकर निकलेगा। नतीजा वही निकला कि आतंकियों के हौसले बढ़े और आज 33 साल हो चुके हैं और हम आतंकवाद की भट्टी में झुलस रहे हैं और अभी भी आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन तथ्यों को सामने रखकर क्या आपको लगता है कि सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये इन तथ्यों को लेके चले ना, उस टाइम की सरकार को भी यही लग रहा था कि अगर इनको छोड़ते हैं तो फिर ऐसा हो जाएगा, वो सेम आज भी वैसी ही सिचुएशन है। हम लोग अब हम लोग वो पॉइंट पे बन चुके हैं, हम लोग उस पॉइंट पे फंसे हुए हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। अच्छा, अगर हम लोग आप मतलब दिक्कत किस में है? जैसे ये तो टीचर हैं तो इनको दिक्कत कम है, लेकिन आप PHE विभाग में हैं, PDD में हैं, PWD विभाग में जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है? हमारा फील्ड वर्क है, अब मैं फील्ड में जा रहा हूँ, मेरे को क्या मालूम है, मैं फील्ड में किसी एरिया में चला जाऊँ वहाँ पर क्या भरोसा मुझे कि कौन है आगे, मैं किससे बात कर रहा हूँ? और ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ, मतलब मैं किसी के कहीं पे काम करने जा रहा हूँ और वहाँ पर वो हर बंदा मेरे से खुश रहे। नेचुरली गवर्नमेंट में जब हूँ मैं तो गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, तो कोई भी बंदा मेरे से खुश, कोई तो एक बंदा जो खुश नहीं होगा, और मुझे उसी एक बंदे से ज़्यादा खतरा रहेगा। मैं तो वही नहीं करूँगा कि मतलब यहाँ के लोकल्स को नहीं होता है, लोकल्स को भी होता है, बट इस वक्त हम लोग ईजी टारगेट हैं इनके लिए। मुझे ये भी बताइएगा, जैसे मैंने नीरू से पूछा, आपसे भी पूछूंगा कि क्या आपका मन करता है यहाँ पे ज़मीन खरीदने का, मकान बनाने का, या आप जिस इलाके में रहते थे उस इलाके में वापस जाने का, दोबारा से बसने का? क्या जम्मू जाकर जब आप अपने माता पिता से बात करते हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या हम वापस मकान बना सकते हैं, वापस जा सकते हैं, कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे? इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं अभी रिसेंटली अपने गांव गया हुआ था और वहां अपने गांव के बंदों ने मेरे से काफ़ी अच्छी तरह से बिहेवियर भी किया और उनने कहा कि आप रात भर रहिए मेरे पास।
और इवन कि मैं जाता भी हूँ, मेरी ड्यूटी भी अपने ही एरिया में थी, काफ़ी देर तक मैं आता जाता रहा। इवन कि मैंने इन लास्ट 12 ईयर्स में टंगमर्ग साइड से ज़मीन भी ली है, बट उन दिनों थोड़ा सा माहौल हालात ठीक थे। अब मैंने कंस्ट्रक्शन, हम लोग सोचा था कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, मगर अब हिम्मत नहीं मर रही है कंस्ट्रक्शन करने की, क्योंकि भरोसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन करने की भरोसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन करें तो करें किस बेस पे, क्योंकि ये तो हमारा मतलब लैंड है, हमारी मदर लैंड है, तो क्यों नहीं रहे हम अपनी मदर लैंड में। ये जो अगर आप में ये भावना है कि क्यों ना रहे हम अपनी मदर लैंड में, तो क्या मन में या दिमाग में कभी ये भी नहीं आता कि अगर हम हमारा पलायन होता है तो क्या ये इस तरह तो नहीं होगा आतंकियों के सामने घुटने टेकने जैसा होगा? बिल्कुल होगा, ये तो 100% सही बात बोल रहे हो आप कि ये तो होगा घुटने टेकने वाली बात, मगर हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है, हम लोग तो वो यतीम हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि अगर सरकार हमको हथियार दे। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ हथियार वथियार के बारे में, क्योंकि उसके लिए बाज़ाबता एक ट्रेनिंग होती है, बाद में चलाने के लाइसेंस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, तो ये सिर्फ उस टाइम जोश में कुछ किसी ने कह दिया हो। यहाँ तो पुलिस वाले भी मरते हैं, तो उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो अपना उनके पास गन हो के वो अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते। हम लोग उनके पास गन हो तो हम तो ईजी वो तो ईजिली हम लोगों को छीन लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ हथियार होगा। हथियार किसी के पास रहने से इसका मतलब नहीं है कि वो ताकतवर हो गया, तो उसको तो कोई भी ईजिली हम लोग तो कल ही आ जाएंगे तो ले जाएंगे हम बाल बच्चे लेके। तो आपने कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हुए इन लोगों की बात साफ तौर पर सुन ली है। एक जी जी क्या हम एक और चीज़ बताना चाहता था मैं कि अगर हम लोग इस वक्त रिलोकेशन कर सकती है गवर्नमेंट, तो जिस तरह से इन्होंने पहले 500 बंदों को अपने रिलीफ डिपार्टमेंट में जम्मू में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिलीफ में रखवाया है, तो क्यों नहीं हम लोगों को बाकी बंदों को रिलीफ में रख सकते हैं? ये तो ईजी है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह की अकोमोडेशन आपको यहाँ मिली हुई है, ये जगती की उस दो रूम के दो कमरों से बहुत बेहतर है हमारे, तो आप वापस वहीं जाना चाहते हैं? तो अकोमोडेशन भी थी, राहुल के पास अकोमोडेशन भी थी, जॉब भी थी, मगर जिंदगी नहीं रही, जिंदगी नहीं। हमें जब अकोमोडेशन से क्या मतलब है? अकोमोडेशन एक डिफरेंट चीज़ है, लाइफ आप लाइफ को ज़्यादा लें कि अकोमोडेशन को? सबसे पहले लाइफ है, लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? जब ये 500 बंदों को एकोमोडेट कर सकते हैं रिलीफ डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट्स में, जम्मू सेक्टर्स में, तो क्यों नहीं ये बाकी बंदों को कर सकते हैं एकोमोडेट? ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोगों को नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब वो जिस रूट से उन्होंने उन 500 बंदों को रखा, उसी रूट से हमको भी ले लें। जिस रूट से उन 500 लोगों को रखा है, उसी रूट से हमको भी ले लें। मैं कश्मीरी पंडित समुदाय के इन दो लोगों से बात कर रहा था। जहाँ तक नीरू का ताल्लुक है, नीरू को चूंकि मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ और पलायन के बाद भी वाली ज़िंदगी भी मैंने इनकी देखी, इनके पिताजी को भी देखा है, कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के साथ उन्होंने जम्मू में एक छोटा सा अपना आशियाना बनाया, वहाँ पर 3 बेटियों को पाला पोसा, बड़ा किया, तीनों बच्चियों की शादी की, वो सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। बड़ी मेहनत करके तब जाकर ये 3 बेटियाँ जो हैं इनकी सेटल हुई हैं। उसके बाद आप ये सोचिए कि कितनी कश्मीरी पंडित समुदाय की का दर्द, तकलीफ, दुख कितना ज़्यादा है कि जिस ज़मीन पर उनका जन्म होना चाहिए था, उस ज़मीन पर जन्म नहीं हुआ, लेकिन जिस ज़मीन पर उनके पूर्वज रहते थे, माता पिता जिस ज़मीन पर पैदा हुए, उस ज़मीन के साथ आज इनका रिश्ता, इनका नाता कितना मजबूत है, उस बात का पता आपको इस चीज़ से चल सकता है कि इस बच्ची ने सोचा था कि यहाँ पर मैं अब अपनी ज़मीन खरीदूंगी, मकान बनाऊंगी। भाई साहब ने कहा मैं भी यहाँ पर ज़मीन खरीदी मैंने, मैं मकान बनाने के बारे में और भी बहुत सारे प्लान्स मैंने बनाए थे, लेकिन आतंकियों ने कुछ ही हरकतों से उन सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब देखना यह कि केंद्र सरकार इस समस्या, जटिल समस्या से बाहर निकलती कैसे है। पंडित समुदाय के ये बच्चे बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं, हालात बहुत अच्छे होंगे तो हम घाटी में रहेंगे, लोगों की सेवा भी करेंगे और अपने घर और अपनी जमीन और अपनी जायदाद उसको दोबारा से जिंदा और आबाद करेंगे, लेकिन अगर इसी तरह की इनसिक्योरिटी बनी रही तो फिर हमारे लिए यहां पर रहना मुश्किल होगा, क्योंकि घर से फोन आते हैं, घर के लोग बात करते हैं, परिवार के लोग बात करते हैं, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, आप वापस आ जाओ, आपको वहां रहने की जरूरत क्या है। लेकिन जैसा कि आजकल आप लोग देखते भी हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, बाकी वेब पोर्टल्स के माध्यम से भी, कि नौकरी, जब एक BDS करके बच्ची जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत के लिए
क्लर्क लगने के लिए तैयार है, पीएचडी करके एक लड़का क्लर्क लगने के लिए तैयार है, क्लास फोर्थ का फॉर्म भर रहा है, उसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये बच्चे ये बच्चियां, इनकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सरकारी मुलाजमत मिली है, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट एवेन्यू जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। और सरकारी मुलाजमत अगर मिली है उसकी एक शर्त है कि आपको घाटी जाना है और घाटी में ही आपको रहना है। मगर इनकी परेशानी यह है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं वातावरण भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास न करें यह हमें पता नहीं। हम नहीं जानते कौन कब हमारा दुश्मन बन जाएगा और किसके निशाने पर कब हम होंगे। दूसरी तरफ से केंद्र सरकार ने साफ किया है आतंक के सामने और आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हमें सुरक्षा 3 गुना 4 गुना बढ़ानी पड़े हम बढ़ाएंगे, मगर आतंकियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें तो हैं, मगर इसके बीच में नीरू के पिता अपने घर पर बैठकर अब ये सोचते हैं कि मेरी बेटी सेटल भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, उसने अपने प्लान्स भी बना लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये आतंकवाद ने जब से दोबारा दस्तक दी है कश्मीरी पंडित समुदाय के घरों के ऊपर, ये सोचने पर अब समुदाय मजबूर है कि हम घाटी में रहें तो रहें कैसे, सरकार पे भरोसा करें लेकिन निकलना बाहर है, चलना फील्ड में है, ये सारी चीज़ें इनके मन में है, इनके मस्तिष्क में है। उम्मीद और तवक्का ये कि केंद्र सरकार कोई रास्ता निकालेगी और इनकी दुविधा और इनकी इस परेशानी को दूर करेगी।